Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of GS Central. आज का हमारा वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है और आज के वीडियो में हम लोग एक युद्ध के बारे में, एक लड़ाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ पलासी या पलासी की लड़ाई। जैसा कि आप जानते हैं, बैटल ऑफ पलासी सन 1757 में हुआ था और इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट भी हुए थे और बंगाल जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो आज इसी युद्ध पर, इसी लड़ाई पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम पलासी की जो लड़ाई हुई है उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। विस्तृत विश्लेषण इसलिए ताकि इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले जा सकते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी निकल जाएं और जो विद्यार्थी सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको अगर इसका सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज का ये क्लास स्टार्ट किया जाए। पलासी की ये लड़ाई से संबंधित है और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें और हमारी जो मेहनत है वह भी सफल हो सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैटल ऑफ पलासी, पलासी की लड़ाई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पलासी की जो लड़ाई हुई है वो 23 जून सन 1757 को हुई है। 23 जून सन 1757, देखिए इतिहास में जो तारीखें हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। तो सभी तारीखें तो नहीं, लेकिन कम से कम जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उनको आपको याद रखना अत्यंत ही अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या MCQ प्रश्न जिसको आप कहते हैं उसके लिए यह तो बेहद जरूरी है। और अगर आप सब्जेक्टिव आंसर भी लिख रहे हैं उसमें आप डेट मेंशन करते हैं तो आपका आंसर जो है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो पाता है। इसलिए पलासी की जो ये युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, ये 23 जून सन 1757 को हुई है, इसे आप याद रखें। स्थान कहाँ है पलासी? ये पश्चिम बंगाल में है, इंडिया में है। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय हुई। क्षेत्रीय बदलाव क्या हुए? तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। ये वीडियो आप जीएस सेंट्रल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप इसे अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी बताइए। आइए देखते हैं, पलासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया, एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया जिले में, गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हराया था। यहां पर याद रखने वाली बात क्या है? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। किंतु इस युद्ध में कंपनी की जीत नहीं मान सकते हैं क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, नाम क्या क्या है याद रखिएगा, तथा उसके जो दरबारी हैं, राज्य के अमीर सेठ जिसका नाम जगत सेठ है आदि से रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी। मीरन का नाम याद रखिएगा, मीरन जो है मीर जाफर का पुत्र है। मीर जाफर कौन है? उस समय बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला का सेना नायक। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्ता की जो कहानी है सन 1757 में आरंभ होती है। उपलब्ध दस्तावेजों के हिसाब से अंग्रेजों के पास पलासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये अच्छी तरह जानता था कि अगर आमने सामने का युद्ध हुआ तो यह युद्ध 1 घंटा भी नहीं चलेगा और उसे हार नसीब होगा और हम युद्ध में हार जाएंगे। और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिख करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी यह बात जो है बताई थी। इन दस्तावेजों में क्लाइव की 2 चिट्ठियां भी हैं जिसमें उसने यह प्रार्थना की है कि अगर पलासी का युद्ध जीतना है तो उसे और अधिक सिपाही जो है वो दिए जाएं। उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भी यह चिट्ठी आई थी कि हम अभी 1757 में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और पलासी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह युद्ध है और इससे ज्यादा सिपाही हम तुम्हें नहीं दे सकते। यहां तुम्हें मतलब रॉबर्ट क्लाइव है, यह ध्यान में रखना है। उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी युद्ध चल रहा था और अंग्रेजी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को और अधिक सेना देने से इनकार कर दिया था।
कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी। युद्ध के बाद प्लासी की जो लड़ाई हुई में सिराजुद्दौला की हार हुई, उसकी हत्या कर दी गई मीर जाफर के पुत्र के द्वारा, और अगला नवाब जो बना वो मीर जाफर बना जो कठपुतली नवाब था। कठपुतली नवाब मतलब अंग्रेजों के इशारों पर काम करने वाला। किंतु ये बात किसी को पता न थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गधा, ठीक है, क्लाइव का गधा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी और बंगाल का व्यापार जो था वो पूरी तरह तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई। पलाशी के युद्ध के कारण और परिणाम। आधुनिक भारत के इतिहास में पलासी का युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और भारत में या बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की अनाउंसमेंट कर दी थी, घोषणा कर दी थी, जिसमें अलवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया था और बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। 10 अप्रैल सन 1756 को अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। अंत में 23 जून सन 1757 को दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे जो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें नंबर वन जो है वो है आंतरिक संघर्ष। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को सौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि सौकतगंज नवाब बनना चाहता था बंगाल का। दूसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थीं, क्योंकि बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उससे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध उन्होंने भड़काना भी आरंभ कर दिया था। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। इस युद्ध का एक तीसरा कारण जो है वो है व्यापारिक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग या उसका मिसयूज, दुरुपयोग। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क समुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को भी बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। एक अन्य कारण है अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी, इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और युद्ध के माहौल बनने आरंभ हो गए। एक अन्य कारण यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उसे उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों और विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई भी प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावना जो है वो बढ़ती चली गई। एक अगली कोशिश जो है अगला कारण जो है वो है नवाब बदलने की कोशिश। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उनके इशारों पर काम कर सके, उनके लिए कठपुतली के स्वरूप हो। इसके लिए अंग्रेजों ने कोशिशें करनी आरंभ की और ऐसी परिस्थिति में संघर्ष को टाला नहीं जा सकता था। एक अन्य कारण है कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने किलेबंदी को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो किलों का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब जो है वो क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 ईस्वी को काशिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया नवाब ने। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए
इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई और काशिम बाजार पर काशिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष नहीं टिक पाए और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए। इसके बाद एक घटना हुई है जो अपने इतिहास में अपने तरह की एकमात्र एक घटना है और काफी महत्वपूर्ण भी है, वो है काल कोठरी की दुर्घटना। उपयुक्त लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया था, तो उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में उन सबों को उसने बंद कर दिया। इस कोठरी की लंबाई जो थी वो लगभग 18 फीट लंबी और चौड़ाई 14 से 10 10 से 14 फीट की थी। यह अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। चूंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिणाम थे 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई। गर्मी का दिन, यहाँ थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट है, क्योंकि गर्मी का दिन था और उस एक छोटी सी कोठरी में 143 सैनिकों को जब बंद कर 146 सैनिकों को जब बंद कर दिया गया, तो सफोकेशन के कारण दम घुटने से 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई। इसमें 23 सैनिक बचे थे, जिसमें हॉवेल नाम का एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी। इसी दुर्घटना को काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का जो क्रोध और अधिक तेज हो गया और वे नवाब से युद्ध की तैयारी करने लगे। एक अन्य कारण है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज शीघ्र ही कलकत्ता पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, याद रखिएगा मानिक चंद। हालांकि वह अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था, फलतः अंग्रेजों की विजय हुई और कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और फिर से सभी तरह के व्यापारिक और व्यवहारिक अधिकार अंग्रेजों को उपलब्ध हो गए। कई बार परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में अलीनगर की संधि के बारे में पूछा जाता है। 9 फरवरी 1757 को यह संधि हुई थी। एक अन्य कारण है फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंदनगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध था। एक अन्य और महत्वपूर्ण कारण था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी अंग्रेजों ने। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के भी कई लोग शामिल थे, जैसे राय दुर्लभ, है ना, राय दुर्लभ, प्रधान सेनापति मीर जाफर और धनी व्यापारी जगत सेठ या जगत सेवक इत्यादि। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का एक लोभ दिया, प्रलोभन दिया और उसके साथ एक गुप्त संधि कर ली। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था, फलतः नवाब की जबरदस्त पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, नवाब की हत्या कर दी गई मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा और अगला नवाब बना मीर जाफर। आइए अब देखते हैं इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। पलाशी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघात का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पनिवकर के अनुसार पलाशी का युद्ध नहीं, परंतु इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला। इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान दिया जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। ये सवाल भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध को क्रांति की संज्ञा किसने दी है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। वास्तव में यह क्रांति ही थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर संभाल ली। एक व्यापारिक संस्था अब प्रशासन का काम आरंभ करने वाली थी। इसके विभिन्न तरह के परिणाम जो है वो दृष्टिगत होते हैं, एक एक करके देखते हैं। राजनीतिक परिणाम, इसके राजनीतिक परिणाम
भारत के लिए काफी डेंजरस और घातक सिद्ध हुए। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ। भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुई। वस्तुतः यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व का था। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु वह एक अयोग्य व्यक्ति था। इसकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज स्वयं बन गए। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेजों को राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने का फायदा मिला। मुगल साम्राज्य के लिए भी पलासी का परिणाम जो था वो काफी घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुगल शासकों को एक अच्छा खासा नजराना कर के रूप में मिलता था, जो अब बंद हो गया। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों की कमजोरी की जानकारी मिल गई। भविष्य में उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और उत्तर भारत की विजय का मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त होता है, आरंभ होता है। अब देखते हैं कि इस युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या हुए। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफी आर्थिक लाभ भी पहुंचा। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपए दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उसे काफी धन और संपत्ति हाथ लगी थी। कंपनी के महत्वपूर्ण कर्मचारियों को 12,50,000 रुपए मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपए मिले। इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार और बाद में बंगाल का दीवान बन गई। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का असीमित अधिकार प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने कंपनी को घूस या रिश्वत के रूप में 3 करोड़ रुपए अलग से प्रदान किए तथा व्यापार में भी अंग्रेजों को 15 करोड़ का मुनाफा कमवाया उनको रियायतें देकर के। कंपनी को लाभ और क्या हुए। भारत का सबसे समृद्ध और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड भाग से व्यापार करने का एकाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बंगाल के शासक पर भारी इसका असर हुआ, क्योंकि उसे सत्ता उसने अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को दे दी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अप्रत्यक्ष संप्रभु सा व्यवहार करना आरंभ कर दिया। बंगाल के नवाब से नजराना, भेंट, क्षतिपूर्ति के रूप में भी भारी धन वसूला गया। एक सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व मिलने लगा। बंगाल पे अधिकारी व एकाधिकार से व्यापार से इतना धन मिला कि इंग्लैंड से धन मंगाने की जरूरत अब नहीं रही। इस धन को भारत के अलावा चीन से हुए व्यापार में भी लगाया गया। इस धन से सैनिक शक्ति इकट्ठा की गई, जिसका प्रयोग अन्य यूरोपीय देशों की सेना के साथ युद्ध में किया गया। फ्रांस तथा भारतीय राज्यों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया गया। देश से धन का निष्कासन आरंभ हुआ, जिसका लाभ इंग्लैंड की सरकार को भी मिला और वहां इस धन के निवेश से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति आरंभ हो पाई। इस युद्ध का भारत पर क्या असर हुआ। इस घटना से एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। कंपनी के हित राजनीति से जुड़ गए। वह प्रभुत्व की प्राप्ति में अब संलग्न हो गई। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता भी साफ साफ सबके सामने आ गई। कंपनी को भारत के शासक वर्ग की चरित्र फूट का पता चल गया, जिसका उपयोग उसने आगे आने वाले समय में किया भारतीय राजाओं को एक एक करके हराने में। कुल मिलाकर के अगर इस युद्ध का सारांश देखा जाए तो वह यह है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनानायक मीर जाफर और कुछ अन्य लोगों के षड्यंत्र का शिकार बंगाल हुआ। बंगाल की जनता हुई। सन 1757 में हुए इस लड़ाई में बंगाल के नवाब की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। आगे जब मीर जाफर नवाब बनता है तो अंग्रेजों की कठपुतली के समान व्यवहार करता है और इससे अंग्रेजों को और या ईस्ट इंडिया कंपनी को अथाह धन की प्राप्ति होती है, जिससे उन्होंने अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति को यहाँ पर मजबूत किया और भारत से कमाए हुए धन का उपयोग ही करके भारत के अन्य राजाओं को एक एक करके हराना और उनके क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना आरंभ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि पलासी का युद्ध सन 1757 में हुआ, इसके काफी दूरगामी असर हुए और यह युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बंगाल के नवाब ने युद्ध तो हारा था परंतु यह युद्ध भारत की दास्ता का एक तरह से आरंभ बिंदु माना जा सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको और इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे YouTube चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आगे के अन्य वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। आप हमसे हमारे Facebook चैनल
या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर लगातार करंट अपडेट्स जो हैं करंट अफेयर्स के वो किए जाते हैं, वहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह और शाम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जीएस के क्विज करवाए जाते हैं, आप उसमें शामिल हों और आप जो पढ़ते हैं उसमें फ़ायदा क्या हुआ आपको, क्विज में शामिल होकर के उसका निर्णय करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।